एक विवाह ऐसा भी। बधाई, क्योंकि अब तो आप इस घर की मालकिन हो गई हो। चाबियां जो आपके पास। भाभी, हाँ लड़ू, क्या हुआ? वो तो आप बताइए ना भाभी की क्या बात है। सुमी, मैं जानता हूँ कि इस घर और यहाँ के लोगों से तुम बहुत प्यार करती हो, और यहाँ से जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं। लेकिन सुमी, तुम सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे करती हो ना जान। चलो सुमी, अपने घर चलते। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू और निकलो इस घर से बाहर, वरना आज फिर से मुझे धक्के मार कर निकालना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिसेज मित्तल। सुमी, सच यही है बेटा कि सुमन का पहला पति और वीर का पिता जिंदा है। चल छोटे। लगता है ये बेशरम औरत फिर आ गई। अब सुमन की अपनी जिंदगी है, उसका पति, उसका बेटा, उसका घर, अब यही उसकी जिम्मेदारी है जो उसे वो संभाल रही है। उसकी गृहस्थी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है बेटा। रवि जी उठिए, आपकी चाय, और चाय जल्दी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। रणवीर जी, तुम्हारा पति मैं हूं, मैं रणवीर नहीं। ये रणवीर तो तुम्हारे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा। हाँ, अच्छे से याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। रणवीर तो बाहर भी नहीं है, ऊपर रूम में तो नहीं है। तुमने सारे रूम हमें देखे और मिला नहीं हमें। ये वो मंगलसूत्र तो नहीं जो मैंने तुम्हें पहनाया था? इसका मतलब अभी तक उस रणवीर के नाम का मंगलसूत्र पहन रही हो तुम। इसमें सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। क्या हुआ वीर को? कुछ नहीं छोरे, जरा सा बुखार आ गया, अभी ठीक हो जाएगा। मारा लड्डू गोपाल, मैं ना सख्ती से ना दवाई मंगवा लेती हूँ। पापा। हाँ बेटा, पापा आ गए। आप मेरे पापा नहीं हो। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। गणपति बाप्पा का विसर्जन अच्छे से हो गया जी? सुहासिनी जी, गणपति के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। सही मायने में हम सबका मन तो दुखी था, और दुखी मन से कोई भी त्योहार, कोई भी सेलिब्रेशन खुशी नहीं देता। ताऊ जी, मैं रणवीर के रूम से हो कह रहा था। अमन चल, मैं भी साथ चलता। विसर्जन में आप लोग थक गए होंगे, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बैठिए। संजना, छोटी संजना, जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। जाओ भाभी, हमने चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया है, तुम लोग बस ले आओ। जाओ जाओ।
ताई जी, आपने छोटे को कहीं भेजा है क्या? वो अपने रूम में तो नहीं है? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, वो तो अपने ही कमरे में था। उसका फोन भी बेडरूम में रखा है। फोन कमरे में छोड़कर कहाँ चला गया? कहीं आसपास ही होगा। देखो आइए भाई साहब, उसे बाहर देख कर आते हैं, हम बाकी के रूम्स में देख के आते हैं। हाँ मैडम, चल। तुझे पता है एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब वो अपने जवान बेटे को इस हाल में देखती है? पता है तुझे, मुझे मुझे लगा था कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर तूने तो मुझे गलत साबित कर दिया रणवीर, गलत साबित कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ड्रिंक करेगा, इस हालत में आ जाएगा, अपना ये हाल कर देगा। किसके लिए रणवीर, किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसने तुझे इस परिवार को धोखा दिया है। हम सुमन ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई भी धोखा नहीं दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, पर जितना तू उसे प्यार करता है रणवीर, जितना तू उसके लिए तड़पता है, क्या वो तेरे लिए इतना तड़पती है? यहाँ से जाने के बाद क्या एक बार भी उसने तुझे कॉल करके पूछा कि तू कैसा है, किस हाल में हो? नहीं ना, बोल। नहीं ना बेटा, होश में आ जा रणवीर, जिंदगी इस तरह नहीं कटती। इसे अपनी लाइफ शुरू कर बेटा, देखना जिंदगी की सारी खुशियां मेरे बेटे के कदमों में होगी, सच। लेकिन बात सुमन तो नहीं होगी ना माँ? और अगर सुमन मेरी दुनिया में नहीं तो मेरे लिए किसी भी खुशी का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं खुद को इस तरह टूटने भी नहीं दे सकता, क्योंकि सुमन मुझे इस हाल में कभी नहीं देखना चाहेगी, कभी। क्या लगा रखा है इसने? रणवीर पापा, रणवीर पापा है, रणवीर पापा। कौन है इसका बाप? रणवीर मित्तल बाप है उसका? नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी सी बात उसके समझ में नहीं आती। वो बच्चा है, मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। वो तुम्हें समझाना ही तो नहीं आता है तुम्हें? अगर तुम्हें समझाना आता होता तो उस रणवीर मित्तल को अपना बाप नहीं कहता। वो रवि जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है सुमित? दर्द तो मुझे होता है जब मेरा बेटा, मेरा अपना खून, उस रणवीर मित्तल को अपना बाप कहता है। वो रणवीर मित्तल बाप है उसका। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? अपने बाप पे हाथ उठाएगा तू? रुक जा अभी। तुम्हारी मम्मी तो थी रोज झगड़ी झगड़ी करती है। हाँ, ये मॉम तो तुमको रोज ऐसा मेंटल टॉर्चर करते हैं। ये डैडी बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे बाथरूम में बंद कर देते हैं। I'll see you both. तो ये क्या किया तुमने? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे ना, तुमने हमें फंसा दिया। सॉरी भाभी जी, पर मैं उस मैडम के स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहता। ये दरोगा हापुस सिंह जी के साथ क्यों आई हैं? यही वो दोनों हैं, इनको अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। हम जो हैं अपनों को ही नजरअंदाज करें, लेकिन सबसे ज्यादा अपनों को ही थैंक यू बोलना चाहिए। मैं भी किस डरपोक को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये देखना सबके सामने ना, बड़े को किस करके दिखाऊंगा।
भगवान को याद करने के लिए ना हर समय अच्छा होता है। वो रास्ते में चक्का जाम हो गया था, नहीं होता तो हम जल्दी आ जाते। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बहाने बनाते हो? इसमें शर्म की कौन सी बात है, जो सच है वही ना बता रहे हैं आपको। सच ये है कि तुम एकदम बेशर्म हो। फिर टावल में बाहर आ गई। लीजिए कर लिए जल्दी हम। उचित अवसर है संतोषी जी के केश लेने का, क्योंकि इस समय धैर्य जी भी यहां नहीं है। अरे अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है मैंने। प्रभु आज वो समय आ गया है, आज आपको शबरी के प्रेम और भक्ति का मूल्य देना ही होगा। काकी, काकी। प्रीत आज भी मुझसे प्यार करती है। वो तो क्या, वो भगवान, वो भी प्रीत और राज को अलग नहीं कर सकते। इतना घमंड, तू साबित कर दे कि प्रीत उससे प्यार करती है। मुझे तुझे कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? ना 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 ना, ना। राज बाबू करना पड़ेगा। इस खेल के सारे पत्ते मेरे पास है, करे शुरू प्यार की प्रतियोगिता। मंजूर है।